हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग चैनल। आप लोग का हार्दिक स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आप लोगों को मालूम ही है कि ये कुवैत है दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी वाला मुल्क, और आज हम उसी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री के करेंसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपीज़ की नोट है, तो उन नोटों से आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या खरीद सकते हो, इंडिया में उसकी कितनी वैल्यू है, इंडिया में उसके कितने पैसे बनते हैं, और आखिर इसकी करेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है। और एक ख़ास बात, यहाँ पर हर नोटों पे आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ कॉइन्स से। जैसे अपने इंडिया में एक रुपीज़ दो रुपीज़ का सिक्का होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सिक्के होते हैं जिसे कुवैती पिल्स कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले छोटा जो कॉइन है वो 5 पिल्स का कॉइन है, दूसरा नंबर का जो कॉइन है उसे 10 पिल्स का कॉइन कहा जाता है, और तीसरा नंबर का जो कॉइन है उसे 20 पिल्स कहा जाता है। तो ये तीन कॉइन का यूज़ आप बेसिकली एक्सचेंज पर्पस के यूज़ के लिए कर सकते हो, इससे आप और कुछ कुवैत में ख़रीद नहीं सकते हो। और अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के कॉइन्स की, तो जिसे 50 पिल्स कहा जाता है, अरबिक में उसे खमसिन पिल्स कहा जाता है, जिससे आप कुवैत में एक टाइम का खबूस खरीद सकते हो। खबूस मीन्स रोटी, तो 5 रोटी आप खरीद सकते हो खाने के लिए। और जो 5 नंबर का कॉइन है उसे 100 पिल्स कहा जाता है, जिसे यहाँ पर मियां पिल्स कहा जाता है, उससे आप यहाँ पर एक टाइम की चाय या सैंडविच या फिर छोटा सा जूस खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पर इतने ही कॉइन्स हैं, और आपको हर कॉइन्स के ऊपर एक बोर्ड का सिंबल देखने को मिलेगा। अगर आपको मालूम है कि एक क्यू बोर्ड का सिंबल है कॉइन्स के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुवैत की नोटों की करेंसी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टर दिनार की नोट आती है, जिसे यहाँ पर रुबा दिनार कहा जाता है, और जिससे आप यहाँ पर एक टाइम का नाश्ता कर सकोगे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हाफ दिनार की नोट आती है, जिसे हम नोस दिनार कहते हैं, और अगर वो आपके पास है तो आप यहाँ पर कुवैत की जो लोकल बसें हैं उसमें ट्रैवलिंग कर सकोगे। ये जो आप देख रहे हो इसे एक दिनार कहा जाता है, जिसे यहाँ पर वाहिद दिनार भी बोला जाता है। देखने में बहुत ही छोटी सी नोट है, अगर मैं आपको इसका एक्सचेंज रेट बता दूं तो आपको पता लग जाएगा कि ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग और बड़ी करेंसी है। अगर आप एक्सचेंज में जाते हो तो आपको इसके बदले 240 इंडियन रुपीज़ आज के रेट में आपको मिल सकते हैं, और डॉलर की बात करूं तो 3 से 4 डॉलर आपको मिल जाएंगे आसानी से। अगर आपके पास एक दिनार है तो आप यहाँ पर एक टाइम का यहाँ पर खाना खा सकोगे, और यहाँ की जो प्राइवेट टैक्सी है उसमें आप आसानी से घूम सकोगे। उसके बाद हम 5 दिनार की नोट की बात करेंगे, तो अगर आपके पास 5 दिनार है जेब में तो आप यहाँ पर फैमिली डिनर या फैमिली लंच कर सकोगे, या फिर आप एक महीने का 4G का डाटा आप बाय कर सकते हो। अगर आप एक्सचेंज में जाते हो तो उसके बदले आपको यहाँ पर 1200 से 1300 इंडियन रुपीज़ आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कुवैत के 10 दिनार के बारे में। 10 दिनार को यहाँ पर असरा दिनार भी कहा जाता है। अगर 10 दिनार आपके जेब में है तो आप यहाँ पर कुछ दिनों तक आसानी से आप जी सकते हो, आपके छोटे मोटे जो खर्चे वो आप उठा सकते हो। और एक्सचेंज में चले जाओगे तो उसके बदले आपको 2500 इंडियन रुपीज़ आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कुवैत की सबसे बड़ी नोट के बारे में, जिसे 20 दिनार कहा जाता है, और वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट करेंसी है। अगर आपके जेब में 20 दिनार है, उसका मतलब इंडियन करेंसी में आपके पास 4800 से लेके 5000 रुपीज़ आपके पॉकेट में है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने कुवैत की सारी नोटें देख ली, और आपको काफ़ी सारी उसके ऊपर इमेज देखने को मिली रहेगी, जैसे कि कुवैत टावर हो गया, कुवैत पार्लियामेंट हो गया, सी के रिलेटिव भी बहुत सारी आपको इमेज देखने को मिली रहेगी, लेकिन एक इमेज बहुत ही कॉमन थी जो है फिश बोट। आपको कुवैत की नोट पर और कुवैत के सिक्कों पर भी आपको फिश बोट का सिंबल आपको देखने को मिला रहेगा। आखिर क्यों यहाँ पर हर करेंसी के ऊपर फिश बोट का सिंबल है? तो उसका रीज़न यही है दोस्तों कि कुवैत में जब पेट्रोल और ऑयल फाउंड नहीं हुआ था, उससे पहले ये लोग का जो मेन सोर्स था, मेन इनकम थी वो लोग की, वो फिशिंग थी। तो इसी की वजह से ये लोग की हर करेंसी के ऊपर फिश बोट का सिंबल है। पहले ये लोग फिशिंग करके अपना गुजारा करते थे। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम कुवैत के म्यूज़ियम में भी जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे म्यूज़ियम हैं, और जो कुवैत की जो पुरानी लाइफस्टाइल है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यहाँ तक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी रहेगी, तो अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।